हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स की। हमने प्रीवियस इस बैच के प्रीवियस वीडियोज में हमने बात की थी यूजर फॉर्म में कॉम्बो बॉक्स की, आज हम बात करेंगे लिस्ट बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स में ड्रॉप करना पड़ता है, लिस्ट बॉक्स में एक लिस्ट की तरह होता है और लिस्ट बॉक्स में पूरी की पूरी शीट की डेटा उठा के डाला जा सकता है। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ किरण अग्रवाल जी कोलकाता से ज्वाइन है, चलिए उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो किरण जी आ गए हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। और आज की सेशन में हम बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म के बारे में, और यूजर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ लिस्ट बॉक्स की, कि लिस्ट बॉक्स का क्या रोल है, आज हम इसमें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लिस्ट बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इस चीज को जानिए। देखिए, हमारे पास अगर पूरी की पूरी सीट की डेटा को अगर मुझे ले जाना है यूजर फॉर्म पे, तो कॉम्बो बॉक्स में तो जाएगा नहीं, इसके लिए हमें लिस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो लिस्ट बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जो नीचे डेटा आता रहता है, ऊपर आपने कुछ डाला और नीचे डेटा आ गया, वो जो चीजें आती है वो चीजें भी लिस्ट बॉक्स से ही आती है। तो बहुत मजेदार टॉपिक है, आप देखते रहिए। और साथ में हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रोजेक्ट भी देंगे, जिससे आप लिस्ट बॉक्स को और अच्छी तरीके से समझ सके। तो हमने एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लिस्ट बॉक्स की फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं कि उसका फंडामेंटल्स क्या है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ सिटी का लिस्ट लिखा हुआ है, ये नेम लिस्ट ही मान लीजिए, मैं सिटी लिस्ट कर देता हूँ। सिटी लिस्ट हमने लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं ये सिटी लिस्ट जो है वो हमारे लिस्ट बॉक्स पे अपीयर। तो हमने विजुअल बेसिक में गया और हमने यहां से इंसर्ट किया एक यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म में हमने अपना एक लिस्ट बॉक्स ऐड किया। और लिस्ट बॉक्स की अगर हेडिंग करना है तो कैप्शन डालना होगा। तो हमने यहां पे एक कैप्शन को डाला और यहां पे दिया मैं सेलेक्ट। अब मैं चाहता हूं जैसे यूजर फॉर्म ओपन हो तो यहाँ पे जो सिटी है यहाँ पे आ जाए। तो इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ नीचे आपके सामने रो सोर्स होता है, इस रो सोर्स पे आप शीट का एड्रेस दे दें। शीट का नाम क्या, शीट वन ए वन से लेके ए टेन, मैं एड्रेस नहीं देखा था, एक बार देखिए आप शीट वन स्लैश A1 से A10। और जैसे मैं यहां देखिए टैप मारूंगा, यहां पे सारे सिटी लिस्ट आ जाएंगे। ये डायरेक्ट आपके एक्सेल शीट से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए एक्सेल शीट से कनेक्टेड ना होता, मेरे पास दो चार सिटी है, तो उसके लिए लिस्ट बॉक्स कैसे करता। तो यहां हम एक और लिस्ट बॉक्स यहां डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे, यहां क्लिक के जगह पे इनिशियलाइज को सिलेक्ट करेंगे और यहां हम करेंगे लूप नहीं होगा यहां पे, यहां होगा विथ डॉट लिस्ट बॉक्स टू। अब यहां पे डॉट एड आइटम और यहां पे अपने सिटी के लिस्ट डाल दीजिए कि पुणे, डॉट एड आइटम यहां डाल दीजिए पटना, और एड आइटम और यहां डाल दीजिए मुजफ्फरपुर मेरा होम टाउन। और ऐसे डालते जाइए जब खत्म हो जाए, उसके बाद कर दीजिए एम पे। जैसे आपने कॉम्बो बॉक्स में डाला था सेम प्रोसीजर आपको यहां फॉलो करने, सेम प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में। जैसे कि मैं बोल रहा था कि लिस्ट बॉक्स का यूज होता है एक बड़ी से बड़ी
एक पूरी की पूरी डेटा शीट को यहां डालने का। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं, यहां पे मैंने दिया सर्च सर्च नेम और यहां पे मैंने दे दिया अपना चेकबॉक्स। देन एक बटन देता हूं यहां पे, मैं यहां लिखता हूं सर्च। उसके बाद मैं यहां से एक लिस्ट बॉक्स लेता हूं, लिस्ट बॉक्स को डाल दिया। अब यहां पे मैं एक छोटा सा डेटा रखता हूं, छोटा सी टू पे नेम और जैन से लेके दिसंबर तक का डेटा। दिसंबर तक का ज्यादा होगा और छोटा सा डेटा मैं तैयार कर दे रहा हूं। और यहां पे मैंने डेटा दे दिया कॉपी और यहां पे हमने वैल्यू। मैं चाहता हूं कि जब मैं सर्च करूं किसमें, यूजर फॉर्म, यहां पे मैं नाम डालूं, सर्च पे क्लिक करूं, तो डेटा हमारा फिल्टर होके यहां। इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए हम एक एरे का यूज करेंगे। तो बटन पे क्लिक होगा, तो बटन पे डबल क्लिक किया और यहां पे करता हूं कि डिम डीटी पे डेटा और इसका रो है 1 2 मान लीजिए 1000, कॉलम है 1 2 कितने कॉलम है 12 2 14 14। यहां पे मैं लूप लगाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू चले 2 2 1 2, यहां पे जाऊंगा 2 2 चलेगा 2 2। रेंज ए डॉट एन एक्सलेस अप डॉट रो और नेक्स्ट। यहां पे लगेगा कि फोर जे इक्वल टू चले 1 2 14 और यहां पे नेक्स्ट जे। देखिए उससे पहले यहां हमें कंडीशन दे हुआ रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू दैट डीटी इक्वल टू आर कॉमा जे। यहां पे dt इक्वल नहीं होगा, dt r कॉमा j इक्वल टू सेल्स i कॉमा j डॉट वैल्यू। ये r क्या है, तो यहां हम लिखेंगे ऊपर एक वेरिएबल देते हैं r के लिए कि dim r long और यहां पे हम दे देंगे R इक्वल टू R प्लस 1। तो सारी वैल्यू किस पे आ जाएगी, dt पे हो जाएगी। तो लास्ट में करेंगे कि मी डॉट
list box 1 dot list equal to dt. Equal to dt. अब मैं इसको यहां प्ले करता हूं और यहां पर देता हूं पूजा. ओके, हमने यहां पे एंड इफ करना भूल गया था, एंड इफ कर दिया हमने. बट इसमें पूजा ही आया क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि लिस्ट बॉक्स का जो कॉलम काउंट है वो कॉलम काउंट हमने यहां पे 1 रखा हुआ है, कॉलम काउंट 1. तो यहां पे कॉलम काउंट 14 करना पड़ेगा. अब जो हम प्ले करेंगे इसको, तो यहां पे हमने पूजा किया, सर्च किया, अब देखिए आ गया. तो पूजा का पूरा डेटा आ गया. मैं पूजा की जगह पे ओम सिलेक्ट करता हूं, ओम, और इस पर डबल क्लिक करता हूं, ओम आ गया. किरण जी समझ में आया आपको? सर ये तो समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एक नाम दे रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. अब ऐसा हो कि मेरे पास लिस्ट बॉक्स हो, वहां पे मुझे मल्टीपल वैल्यू चूज करना हो, तब कैसे करेंगे? समझे नहीं, मतलब कि आप एक से ज्यादा को देखना चाहते हैं? नहीं, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे तो जैसे मैं सर्च कर रही हूँ, ओम ओम का डिटेल्स आ जा रहा है, पूजा पूजा का डिटेल्स आ जा रहा है. अब जैसे पहले लिस्ट बॉक्स में हम लोग सारा डेटा लिए, मान लीजिए यहाँ पे 10-12 नेम है वो मेरे लिस्ट बॉक्स में है, वहां पे मुझे 3 नाम एक साथ सिलेक्ट करके उसका डेटा देखना हो, तो उसके लिए मल्टी सिलेक्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा. चलिए, तो आपने बोला कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम चाहिए, राइट? तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना दिया और यहाँ हमने एक और लिस्ट बॉक्स लिया और लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे हमने लिया, ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च पे जाता हूं, यहाँ पे हेडिंग देता हूं, सेलेक्ट सेलेक्ट, और यहां एक बटन दे देता हूं गेट डेटा, या कुछ भी दे दीजिए अपने हिसाब से, गेट डेटा. तो सबसे पहले मुझे इसमें नेम आना चाहिए. अब नेम का कोई अलग से लिस्ट नहीं है, यूजर फॉर्म इन स्लाइड्स पे ही मैं, यहाँ यूजर फॉर्म की जो इन स्लाइड है हमारा, यूजर फॉर्म डॉट इन स्लाइड, इसी में हम कमांड डालेंगे. और मल्टीपल्स क्योंकि हमारे डेटा में मोर देन 1 टाइम्स है, तो यहां पे हम लिखेंगे टीम एज ए न्यू कलेक्शन. मैंने बता समझाया था इस पे, 4i इक्वल टू चले 22 रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो और नेक्स्ट i. उसके बाद इसमें हम करेंगे सिटी डॉट एड, क्या करना है, रेंज के साथ हमने आई को कंबाइन करके डॉट वैल्यू किया, जो कॉपी कर लेता हूं, और कॉमा एस सी सी एस टी आर, इसमें हमने वैल्यू पेज कर दिया. इसे यहां पे करेंगे कि फोर इच इच आइटम इन सिटी, मिस्टेक था सिटी, नेक्स्ट आइटम, और यहां पे हम करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट एड आइटम, और यहां पे हम एक कमांड ताकि डुप्लीकेट ही ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री जैसी होगा इसमें एरर देगा. तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करूंगा ताकि इसमें एरर ना आए. इससे क्या होगा, जब एक प्ले होगा तो यहां पे सारे लिस्ट आ जाए. अभी देखिए सिंगल सिलेक्ट हो रहा है ना,
तो हमें यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में जाना होगा, इसमें हमें एक आता है मल्टी सिलेक्ट को, मल्टी सिलेक्ट है ना, मल्टी सिलेक्ट को हम यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एक्सटेंड, इसे क्या होगा कि मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल, तो शिफ्ट के साथ हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ, समझे? हाँ समझ गया ना सर? हाँ हो गया, तो मल्टी सिलेक्ट हो गया। गेट डेटा में मुझे कमांड लिखना पड़ेगा, ये चीजें तो ये जो चीजें हमने दी है ये सारा होगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा तो होगा ही होगा। होगा ये लूप चलेगा, तो हमें जो है ये जो लूप चल रहा है राइट, और यहां पे मुझे एक और लूप चलाना है कि फोर ए इक्वल टू चले जीरो टू डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट लिस्ट इंडेक्स माइनस वन, और यहां पे नेक्स्ट, और फिर यहां पे एक और कंडीशन देना है सर। हाँ बोलिए। मैं जो लिस्ट बॉक्स से मान लीजिए चार नाम सिलेक्ट कर रही हूँ उसको मैं अपने एरे में स्टोर कर सकती हूँ? नहीं, एरे में स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं एरे में स्टोर ना करके डायरेक्ट वन बाय वन ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स टू सेलेक्टेड में हमने यहाँ पे की कर दिया समझे, हमने बोला कि भाई उतना बार लूप चलाओ, ये जो हमने ऊपर वाले माइक्रो जो हमारा था ना ये जिसमें डेटा ऐड कर रहा था, इसको हमने बोला कि इतना बार चलाओ जितना बार हमारे लिस्ट बॉक्स में डेटा है, जितने नंबर ऑफ लिस्ट नेम्स है। फिर हमने बोला कि भाई ये लूप तभी चलेगा जब हमारा लिस्ट सिलेक्टेड होगा, तो हम वन बाय वन जितने भी लिस्ट है सारे लिस्ट को चेक कर रहे हैं क्या सिलेक्टेड है, क्या सिलेक्टेड है, क्या सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है तो ये लूप चल के डेटा ऐड करेगा, सिलेक्टेड नहीं है तो लूप चल के डेटा को ऐड नहीं करेगा। अब यहां जो मी डॉट आ रहा है ना आपका मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू, इसके जगह पे इसकी जगह कुछ और होगा, मी डॉट लिस्ट बॉक्स यहां पे एक छोटा सा होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यहां पे, हमने इसमें क्या किया मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट लिस्ट डॉट के को ढूंढेगा। अब चलिए एक बार मैं एक इसकी ट्रायल करके देखता हूं कोई एरर ना हो, मैंने इसको सेलेक्ट किया और गेट देखा विदाउट फोर नेक्स्ट विदाउट फोर ओ मैंने इस एंड इफ को एक मिनट ये जो एंड इफ है इसका है और ये एंड इफ इसका है, एंड इसका अब सही है
तरीका नहीं आ रहा। Okay, इसको एफएल करके मैं देखता हूँ। माफ कीजिए यहाँ छोटा सा गलती हो गया है, लिस्ट इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ पे लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट माइनस वन। अब इसका सही चलना चाहिए। ओम को क्या हमने, ओम का डेटा आ गया, मान लीजिए ओम और नीट, यहाँ पे ओम के साथ कंट्रोल सर्किट मैंने ओम और नीतू पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ओम और नीतू का डेटा यहाँ आ रहा है ना, हाँ सर। इस तरह से मल्टीपल नेम को सिलेक्ट कीजिए, मैं पूजा, मोहन और देव को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए पूजा आ गया, हाँ। मोहन, तो आपको क्या करना है, इस तरह की मैक्रो को बनाना है। अब मुझे क्या है कि मान लीजिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे इसको एडिट करना है, बस समझ रहे हैं, हाँ। उसको इसको एडिट करना है, तो इस पे डबल क्लिक करूं तो मुझे इसका एक और यूजर फॉर्म खुले जहां मैं इसकी डेटा चेंज करके अपडेट कर सकूं। ये आपको बताना है, ठीक है सर? ठीक है। और सर और एक क्वेश्चन था मेरा, नहीं एक मिनट, पिछली बार का होमवर्क भी आपको नहीं मिला है मुझे, कौन सा सर, वो ड्रॉप डाउन बॉक्स, डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स, डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स जी सर, वो वीबीए के थ्रू, मतलब जो यूजर फॉर्म। तो दोस्तों देखा किस तरीके से हमारे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन किए मिस्टर किरण ने, और किरण ने मेरे साथ जो चीजें सीखी है वो उनकी लंबी बैच चलती आ रही है, और जो भी प्रॉब्लम थी मैंने लाइव उनको बताया है, समझाया है, जहां पे एरर्स हुए हैं उस एरर को भी करेक्ट किया है। तो इस तरह से आप हमारे साथ लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, और हम इस पे आपको कंप्लीट वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ। तो मेरे साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, या फिर आप मुझे प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और मेरा नंबर को सेव कर लीजिए, इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और स्काइप भी कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा या फिर मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा नंबर या IPT इंडिया YouTube पे सर्च कर ले, मिल जाएगा। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूं मोबाइल पे नोटिफिकेशन बच जाए। थैंक यू।